वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर यही बता दीजिए कि कम से कम डीवी की कटआप कितनी है। कितने बच्चे अपने आप को सोचे कि मैं डीवी में चाहूंगा या मेरी डीवी होगी, बाद में फाइनल कटआप आएगी। देखो दो कटआप आनी है अभी, एक आएगी आपकी डीवी की कटआप, एक आएगी फाइनल कटआप। ठीक है, तो समझते हैं उन चीज़ों को। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पर, समझते हैं चीजों को। 8085 दोस्तों वैकेंसी, जिसमें जनरल की 3271, ओबीसी की 2174 और 798 ईडब्ल्यूएस की, 1690 एससी की और 152 एसटी की। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी जो है वैकेंसी बन रही है। ठीक है, वैकेंसी 8085 डीवी के लिए हमेशा दोस्तों 1.5 गुना बुलाएंगे, जो कि अगर आप निकालेंगे तो 12127 बच्चे होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात अगर हम समझे, कितने लोगों ने पेपर दिया, तो 30 गुना बच्चे जो है बुलाए गए थे, जिसमें से लगभग 26 गुना लोगों ने पेपर दिया था। 2,12,863 बच्चों ने पेपर दे रखा है, उनमें से 12,000, और जिन लोगों ने पेपर दिया था कहीं ना कहीं 66 नंबर कट ऑफ की थी, बल्कि इससे ऊपर थे। तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 30-40 हजार तो बच्चा ऐसा होगा, 30-40 हजार, 30 हजार मान लो, 40-50 हजार जिसने एक शिद्दत से मेहनत की होगी, क्योंकि वैकेंसी ऐसी नहीं थी कि कुछ कठिन उसमें था, एक ही था, ग्रामीण विकास, कठिन सच्चाई है ये, और उसी ने खेल किया भी है, ये भी सच्चाई। पेपर का और कुछ लेवल नहीं था, उसने खेल कर दिया, लेकिन है ना। तो वही हम लोग समझते हैं उन चीज़ों को कि कितनी कट ऑफ डीवी की जा सकती जब इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। इतने 2,12,863 बच्चों में से मात्र 12,000 या 12,500 के आसपास ही बच्चे बुलाए जाने हैं डीवी के लिए। तो अब जब मैं कटाव ही जब 78-80 बता रहा हूँ पहले से ही, और देखो यार वो कोई फिक्स नहीं, देखो सिंपल सी बात कहता हूँ, मेरे मतलब मैं जो बोल रहा हूँ एकदम कन्फर्म नहीं। देखो अगर यार धांधली हुई है ना, तो फिर यूपीएसआई की तरीके खेल हो जाएगा, बहुत ऊपर चली जाएगी। जो वो 15,000, एक तो ऑफलाइन एग्जाम हुआ, जब ऑनलाइन में खेल हो गया तो ऑफलाइन में खेल होना लाजमी है। देखो इतना तो आप भी यूपी में रह रहे हैं तो इतना पता है, सभी को पता है 15,000 बच्चों पर डाउट है। अगर एसटीएफ हम कह रहे हैं इसमें से 4-5 हजार निकाल दे हाई स्कोरर को पकड़ के किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि निकाल पाए। किस बेस पर निकालेंगे, विदाउट एनी प्रूफ आप किसी को नहीं निकाल सकते हैं, प्रूफ है तो उसकी बात अलग है। और रही बात है, अब अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन करें मतलब इंटरव्यू टाइप का, तो बच्चे जवाब दे लेंगे, वो पीटी क्वालिफाई 66 नंबर तो लाए ही थे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अगर आप देखेंगे टीवी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप ये मान लीजिए जर्नल की दोस्तों 76-77 के आसपास है ना, ये बता रहा हूँ, इससे भी ऊपर जा सकती है, चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, 76-77 भाई, 1.5 गुना तो बुलाया जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना 10 गुना लोग टीवी के लिए बुलाए, 1.5 गुना बुलाया जा रहा है, 12,000। फाइनल कट ऑफ 78-80 जानी कहीं ना कहीं, तो उसी अराउंड आप मान लीजिए जर्नल की 76 के आसपास बुला लिए जाएंगे। ठीक है, 75-76-77 यहीं कहीं घूमेगा। ठीक है, उसका कारण है ना, देखो यार धांधली वाला भाई हमें भी नहीं पता, जेन्युइन कैंडिडेट का जो मार्क है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, उसके उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे स्कोर हैं यार, 80+ भी ओबीसी में स्कोर है बहुत से बच्चों का, ऐसा नहीं है। आप खुद अभी कमेंट देख लीजिए, कई बच्चे अभी कमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और मैंने आपसे बोला है ईडब्ल्यूएस की उससे 1-2 नंबर कम है ना, ओबीसी की भी उससे 1-2 नंबर कम, कोई बहुत कम नहीं रहने वाला, क्योंकि कटाव ईडब्ल्यूएस ओबीसी और उसकी जो पीटी की थी एक ही रही थी, है ना। तो उन चीज़ों को आप एससी की यहाँ कम जाएगी, एससी एसटी की तो कम जानी है, यूपी में वैसे भी एसटी सबसे कम है और एससी तो कम है ही, है ना, एसटी बहुत कम है, उत्तर प्रदेश की स्थिति है, और आरक्षण भी उसी हिसाब से मिलता है ना, 2% है आई थिंक एसटी का आरक्षण, उसी हिसाब से वैकेंसी भी है, 152 वैकेंसी है, 8×2=16, हाँ वही निकल रहा है लगभग। तो वही चीज़ें हैं, तो आप लोगों को समझना ही होगा, और आप लोग इस पर पूरा डिपेंड होकर ना बैठे, अपनी अगली रणनीति अगली तैयारी में लग जाए, तभी मजा आएगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ समझा दी, कितने गुना बुलाए जाएंगे, कितने बच्चों ने पेपर दिया, क्या हुआ, कितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो इतना मानकर चले। बाद बाकी इंतजार करते हो, उनकी कॉपियाँ चेक हो रही, ये भी अंदर से बाहर निकल कर आइए, नवंबर लास्ट या दिसंबर में आ सकता है। बाद बाकी आयोग के ऊपर, यूपी ट्रिपल एससी आयोग का कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको कल बताया था कि 2016 की वैकेंसी, अब वो जो है 2 सीटें क्लियर कर रहे हैं, है ना, तो चीज़ें चलती रहती हैं। मिलते अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ व्हाट्सएप टिल देन।